अजय कुमार वर्मा, एसी एंड एबीसी। आप दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ एक नए फार्मर के पास, जो कि बहुत ही अच्छे फार्मर हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये पिछले काफ़ी सालों से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, लगभग एक साल हो चुका है, 1 से 1.5 साल हो चुका है। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो बर्ड हैं, ये अभी इनके फार्म पे सुगना के बर्ड पड़े हुए हैं। अभी मैं मिलता हूँ इनसे, किसान से, और पूछता हूँ कि ये जो बर्ड हैं कितने दिन के हो चुके हैं और किस तरह से इनका मैनेजमेंट है, उनके उसके ऊपर सारी बातें होंगी दोस्तों। तो वीडियो पे आप लोग बने रहें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो ऑथेंटिक जानकारियाँ आप लोगों को मेरे चैनल पे दी जाती हैं, इसके वजह से काफ़ी किसान भाइयों का भला होना चाहिए। और ये इसीलिए मैं अभी फिर से एक बार शुरू किया हूँ कि फार्मरों से मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मरों का आप लोगों के पास में व्यू पहुँचाएंगे, जिसके कारण आप लोग को समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी बेहतर है इस फील्ड में। तो चलिए दोस्तों, फिर वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें दोस्तों। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले सर, आपका नाम जानना चाहेंगे कि नाम क्या है आपका, और आपका एड्रेस थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा नाम नीरज सिंह है। नीरज सिंह, मतलब ये हमारा घर गिलोला के पास बलगर सिंह पुरवा में पड़ता है। जी जी जी। पोल्ट्री फार्म रानीपुर काजी में हमारा, हम अपने खेत में बनाए हुए हैं। जी 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 जी। इतना ज़्यादा खेत होता है, खेती पाती भी होती है। बिल्कुल 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 जी जी। तो सर ये बताइए, बर्ड जो हम देख पा रहे हैं, ये कौन से कंपनी का बर्ड है? सर ये सगुना कंपनी का बर्ड है, हम शुरू से सगुना से फार्मिंग कर रहे हैं, 2 साल से फार्मिंग जी कर रहे हैं। सर एक्चुअली मैं अभी तक काफ़ी फार्मों पे विजिट किया हूँ, लेकिन सर यहाँ पे जो आपके फार्म का स्ट्रक्चर है, अंदर से भी एकदम लोहा लाट और बाहर से भी, सर ये बताएं कि ये जो फार्म है इसकी लंबाई और चौड़ाई बताएं, और इसके बाद इस पे कितना खर्चा आपने किया उसके बारे में जरा एक्सप्लेन करें। हमारा फार्म जो है सर 130 फीट लंबा है जी, और 28 फीट चौड़ा है। 28 बाई 130, मतलब 28 बाई 130 का है। जी 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 जी। और इसमें लागत मान के चलिए 10-10 फीट पे पूरा पिलर है जी, इसकी ऊंचाई 14 फीट है, जो ऊंचा है जी जी, पिलर को 14 फुट ऊंचा किया जी, और इधर जो चौड़ाई है 7 फीट की है। जी जी जी। चौड़ाई 7 फीट की है। और सर ये भी 9 इंची का लगता है, मतलब सर्कल में देखा जाए तो 9 इंची का है। ये भी है जी, और 9 इंची का ये भी है। जी जी जी। काफी नीचे से, मतलब 3 फीट गहराई से जी जी पड़ के फिर पूरा खड़ा किया गया, जैसे बिल्डिंग बनती है। हाँ 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 बिल्कुल। यानी दोस्तों ये जो पिलर है सर का, ये काफी मजबूत है, क्योंकि आंधी में कभी उखड़े ना, इसके लिए सर ने नीचे पहले चटाई बनवाया है। जैसे कि मैंने एक बार किसी फार्म में पे जाके इस चीज़ का मेंशन किया था, वो चीज़ सर ने पहले से कर रखी है, और हाइट भी काफ़ी अच्छा दिया है, क्योंकि इसमें गर्मी के टाइम पे दोस्तों की थोड़ी गर्मी कम बनती होगी, क्यों ऐसा है ना सर? यहाँ से गर्मी नहीं बनती हमारे फार्म में, वैसे रिजल्ट मतलब एक कंपनी की वजह, गलती की वजह शहर आया, बाकी हमारे मैनेजमेंट में कभी कोई कमी नहीं रहती। जी जी जी। नहीं 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 सर, रिजल्ट देता हूँ हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा बर्ड 2700 ग्राम में उठा था, जब किसी का 2200 ग्राम 2100 ग्राम। जी जी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप जानते हैं कि गर्मी, पिछले गर्मी से लेके अभी तक 2700 ग्राम वजन का बर्ड उठना काफ़ी अच्छी बात है, और जो कि मैं काफ़ी फार्मों पे जाता आता रहता हूं, तो वहां पे क्या है कि बॉडी वेट जो बर्ड का होता है दोस्तों, वो 2200 प्लस बस इतना ही होता है। और आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। जी जी जी। इस बार भी बॉडी वेट हमारा सबसे अच्छा है जी, क्योंकि अभी मतलब जो मतलब सुबह हमारे यहाँ मैनेजर और सुपरवाइजर सर दोनों लोग आए थे जी जी, उन्होंने बॉडी वेट किया जी, उन्होंने बताया कि हाँ आपका बॉडी वेट अच्छा है, आपका अभी बर्ड 30 दिन का है, 18 प्लस था आज हमारा सुबह जी जी, तो ये बताया है कि हाँ 4 दिन में आपका बर्ड हम उठवा लेंगे, आपका रिजल्ट खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हो रही है हमारे में जी, ज्यादा मतलब ज्यादा उठा रहे हैं बर्ड जो हम दवा दिए हैं जी जी, यानी फीड इंटेक ज़्यादा है, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, और जो बॉडी वेट आना चाहिए वो एक्चुअल बॉडी वेट नहीं आ पा रहा है जी। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जो लोहा आपने लगाया है, काफ़ी लोहे दिख रहे हैं मुझे, और इसमें सर कितना कुंटल लोहा लग गया होगा आपका? इसमें सर कुंटल लगभग में 4 कुंटल पाइप लगा था हमारे, 4 कुंटल पाइप लगा हुआ है, जो पाइप लगा है सर ये वाला जी जी, ये 1.5 इंची पाइप है जी, और जो ऊपर पाइप लगा है जो ऊपर से यहाँ पे आया हुआ है जी जी, ये भी 1.5 इंची, लेकिन वो चौड़ा पाइप लगाया गया है, क्योंकि गोल पाइप पे पाइप सड़क सकता है, चौड़ा पाइप होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने वहाँ चौड़ा पाइप लगवाया, और यहाँ पे मतलब 60-80 हज़ार रुपये का पाइप हमारे फार्म में लगा था जी। और सर ये पतरे में लगभग कितना खर्चा आया है आपने? हमारा पतरे में 85 हज़ार रुपये का पतरा आया था, 8x8 का पतरा
इधर लगा है, 8x8 का पत्रा इधर लगा है। जी जी जी, तो यानी मतलब काफी महंगा पड़ा था, 300 कुछ रुपए का, आज के 2 साल पहले पड़ा था, अब तो और भी महंगा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने लखनऊ से पत्रा मंगवाया था। अच्छा, डायरेक्ट आपने कंपनी से संपर्क करके और मंगवाया? मैंने कंपनी में संपर्क किया, वहाँ पे हमको ये 220 रुपए का मिल गया था, जो यहाँ 320-30 का मिल रहा था, 100 रुपए प्रॉफिट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये जो हाइट है बाहर से, वैसे तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि, क्योंकि इस क्षेत्र में दोस्तों आप देख सकते हैं बाहर पानी जमा होने का कोई चांस नहीं है। पानी नहीं जमा होता है क्योंकि बहुत ऊंचे पर है। हाँ, ये हाइट पे मुझे ऐसे देखने से लग रहा है कि ये जगह जो है ये काफ़ी हाइट पे है। दोस्तों यहाँ से बाहर आप देख सकते हैं कि हर खाली है, तरफ खाली है जगह। तो अभी आपका बर्ड आज कितने दिन का हुआ है? सर, हमारा बर्ड का आज 21वां दिन है। 21वां दिन है। और बॉडी वेट क्या आ रहा है? 18 प्लस आया था, सुबह सुपरवाइजर ने वेट किया था। जी जी, 18 प्लस, 31 दिन में जी। लेकिन मतलब मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, इनमें 20 मोर्टेलिटी हो गई हमारे में, फिर 2 मोर्टेलिटी हुई अभी दाने का एक बर्ड पे। जी 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 जी, मतलब अभी हमारी बुक आ रही है 68-69 रुपये में जी जी, सुबह जब। हाँ हाँ, तो ठीक है लगभग। में आपका ये मान के चले कि FCR लगभग मतलब अच्छा है, रिजल्ट भी हमारा इस बार अच्छा आ सकता है, लेकिन ये हमारे दम पे आ सकता है ना, कंपनी के बेस पे नहीं आएगा। चलाइए ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं काफी सुगना के फार्मरों से मिलता हूँ और काफी जगह पे आना जाना होता है, पर वो उन लोगों का अभी का टाइम पे किसी का भी जो कंपनी के मानक है उस मानक के अकॉर्डिंग किसी का नहीं आ पा रहा है। लगभग काफी लोग परेशान हैं, बहुत लोग परेशान हैं, लेकिन अब कोई कंपनी ऐसी है ना कि लोग अच्छे से उससे जुड़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी इस क्षेत्र में जी कुछ कंपनियों की प्रॉब्लम चल रही है। तो ये बताएं सर कि इतने दिन से जो आप काम कर रहे हैं, इसका आप थोड़ा सा अनुभव किसानों के साथ शेयर करें, क्योंकि अभी आप भी बहुत ही युवा फार्मर हैं और युवा फार्मरों को जब लोग देखते हैं तो उनका हौसला थोड़ा बढ़ता है। तो आप पोल्ट्री को लेकर के थोड़ा सा अपने किसानों को बताएं कि क्या ये काम सही है या नहीं सही है, उसके बारे में जरा आप अपना अनुभव शेयर करें। मतलब जो पोल्ट्री है ये सही है, वैसे मतलब मैं बलरामपुर के पीली का पीजी कॉलेज में मैंने BSc किया जी जी, उसके बाद कुछ घर की प्रॉब्लम थी कि मैं आगे पढ़ नहीं सका। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। मुझे लगा कि हम अपना अगर बाहर जाने से अच्छा कि छोटा सा यही बिजनेस कर लें, अभी ये छोटा ही है हमारे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, छोटा चाहिए, बड़ा है इसको। जी जी, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कम से कम 5,000 से स्टार्ट करना। हाँ बिल्कुल सही है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना मतलब अच्छी चीज हमको लग रहा है, प्राइवेट से ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें अपना रिस्क नहीं होता, रिस्क नहीं होता। अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं तो इसमें हमको खाने पीने का और बचाने का भी पैसा बड़े आराम से। 5,000 बच्चे का अगर फार्म है तो 50,000 मिनिमम बच सकता है, बच सकता है, बिल्कुल अच्छे से करे तो। बाकी सर ये जो इस बार हमारा जब चिक्स आया तो थोड़ा ठंडी ज्यादा थी और हम भट्टी की व्यवस्था नहीं कर सके अच्छे से जी, इसीलिए थोड़ा बहुत मतलब फार्म में बच्चे उससे लूज हो जाते हैं। अब देखिए आप इतने बच्चे हमारे में लूज हो गए हैं जी जी जी, मतलब ठंडी की वजह से लूज हुए। हाँ, तो हाँ, काफी हाँ, बच्चे हाँ। तो अगर अच्छे होते तो 1 क्विंटल माल बन जाता, बिल्कुल बन जाता, उससे हमारा रिजल्ट और भी अच्छा आता जी। लेकिन अब यही थोड़ी थोड़ी गलतियां मतलब जो होती हैं हाँ। आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती हैं, जो आज सामने है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त, अक्सर वो गलतियां दिख रही है। तो दोस्तों जैसा कि अभी नीरज भाई ने अपना अनुभव शेयर किया है कि आप बाहर जा कर के कमाने से बेहतर है कि अगर आप अपने घर पे, आपके पास इतना संपन्नता है और आप काम कर सकते हैं तो एक फार्म बना ले। थोड़ा गलती हुई सर, जो मैंने पैसा फार्म में ज्यादा लगा दिया हमको लग रहा है इसी हाँ, इतने ही पैसे में, बिल्कुल, क्योंकि हमको बताने वाला जो था कि जब हम फार्म बनवा रहे थे तो लोग उत्सुक हो जाते हैं ना कि हमको फार्म बनवाना है, तो एक यहीं बगल के लोग थे वो कुछ हमको बताया कि हाँ 10 फीट पे ये पिलर कर दो, जबकि वो खुद अपना वो गाड़े हुए थे जो लकड़ी नीचे नहीं जो नीचे ढलवा के गड़वाते हैं, तो हम भी उसी तरह बनवाए, हम सोचे 2-3 लाख रुपए बन जाएगा, इसमें 5-6 लाख रुपए हमारा फंस गया, लेकिन फिर भी जो बन गया वो हमको लग रहा है बेहतरीन मजबूत है। अगर हमको यहाँ घर बनाना होगा तो ये हमारे पिलर काम से हम बहुत अच्छे से काम में आ जाएंगे। और बाकी यहीं पे हमारा बगल में तालाब भी है जी जी, और ये अपनी खेती होती भी यहीं पे होती रहती है, बगल में सब पूरा खेत वोत भी अपना है सब जी जी, आलू गोभी सब उगाते रहते हैं, सब्जी उब्जी भी हम लोग खाने के लिए। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, चार गाय भी अपने रखे हुए हैं। चलिए बहुत अच्छी चीज है। और इधर भी थोड़ा दिखा दीजिए सर, टंकी वंकी का भी मैंने। हाँ बिल्कुल, ये दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि काफी जगहों पे ये टंकी रखने का भी व्यवस्था सबके पास ठीक ठाक नहीं होता है, पर नीरज भाई का ये देखिए इतना बेहतर और मजबूत बनवा रखा है, तो इसीलिए दोस्तों इनका इस फार्म बनवाने में काफी खर्चा आया है। दाना रखने वाला भी दिखा और अरे वाह, शायद ही कहीं आपने देखा होगा दोस्तों इस प्रकार से कि यहाँ पे ढलैया करवा के
क्योंकि दोस्तों यहाँ अगर इस तरह से सिस्टम बना लिया है जिसके वजह से इस दाने में कभी सीलन नहीं आएगी और आपका दाना चाहे कितने दिन भी डंप रहे फार्म में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, इसीलिए तो हमारे यहाँ डंप करवाए दाना इतना। हाँ, और इसका यही रीजन है दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा दाना यहाँ पे लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है इनका जो भी बनवाया है, बहुत ही कुड़काम और बहुत ही मजबूत। अच्छा, ये जो है आपके पास ये क्या चूहा पकड़ने के लिए है? नहीं सर, इसमें हम मतलब पहले वो क्या नाम ये कबूतर वबूतर होते हैं ना जो, अच्छा सफेद अच्छा वाले, अच्छा हाँ हाँ वो सब हाँ हाँ पाले हुए थे, और देसी वो मुर्गी शौक थी में, शौक में, शौक शौक में में यहाँ पे देसी मुर्गी बिल्कुल थी पहले हमारे पास, जंगली मुर्गी जी जी अब नहीं जी रह गई, अब तो सुपरवाइजर कहने लगे यहाँ इन्फेक्शन हो हाँ जाएगा इन्फेक्शन तो होता है। थोड़ा हम हटा दिए सर, नहीं तो उसी के लिए ये था जी, जी और सर। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि इनका ये लाइट का सिस्टम है पूरा, तो मैंने कमर्शियल कनेक्शन भी करवा रखा है यहाँ पे, तो मीटर वीटर ये लगाया, क्योंकि देखिए हमारे दोस्तों। यहाँ थोड़ा दुश्मनी है ना आपस में, तो लोग मतलब हाँ हाथ उसमें उंगली किए हुए थे, तो हमने कमर्शियल कनेक्शन ही ले लिया। 1 किलोवाट का है, जी जी 1,500-1,500 रुपये जी महीने बिल आता है, कोई दिक्कत जमा नहीं, कर ये तो देते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा है चोरी के क्योंकि काम करने से अच्छा है कि हम अपना हाँ फ्रेश अपना मूड फ्रेश में कर रहे हैं मूड में करेंगे। जी। और ये और दरवाज़ा भी मैंने कल दोस्तों लगवाया है, टूट गया था। यहाँ पे देखिए इनका डोर जो है ये बहुत ही मजबूत डोर है, इसमें से चूहा बिल्ली आने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से ये ऊपर का पाइप जो है ऊपर से बिल्डिंग करके और नीचे यहाँ पे किला लगा दिया गया है जिससे ये कभी निकल ना पाए। तो दोस्तों इस तरह से नीरज भाई का जो फार्म है काफ़ी मजबूत है। तो थोड़ा बाहर भी बना लीजिएगा। हाँ, और यहाँ पे इनके बर्ड हैं, बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा फार्म है, बहुत ही टिकाऊ फार्म है। अब मैं फार्म का बाहर से आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि किस तरह से बाहर से देखने में ये लगता है फार्म। और दोस्तों नीरज जी जरा इधर सामने आइए और हम दिखाना चाहेंगे दोस्तों को यहाँ पे नीरज जी का ये जो खेत है दोस्तों इसका कितना बेहतर उपयोग किया है इन्होंने। यहाँ पे धनिया लगाया है, पालक लगाए थे ये थोड़ा बहुत पालक खाने के लिए, है, ये सब अपने खाने के लिए ही लगाए हाँ, हैं। और यहाँ पे बैंगन लगा दोस्तों हुआ है, ये बैंगन है, टमाटर भी लगा हुआ है टमाटर भी सर। लगभग लगभग तैयार हो, हाँ इसमें सर, फल फूल आने आने वाला लगा है। है, हाँ, और ये आलू है सर, ये आलू लगाया हुआ है इसके आगे और मिर्च लगा है। मिर्ची है, और इसके बाद खेत थोड़ा सा खाली भी हाँ, पड़ा वहाँ है। प्याज का भी यार्ड बिकवाना है, पूरा इधर लगा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे नीरज भाई ने कितना बेहतर तरीके से प्याज का प्याज अभी बियाड़ लगाया तैयार हो हुआ है। जाएगा, बियाड़ है तैयार हो जाएगा सबसे अगर तुम्हारा, अभी बहुत लोग बो रहे हैं, हाँ हाँ वो हाँ हाँ चुकंदर का पेड़ है। और ये दोस्तों जो सामने आप देख पा रहे हैं ये वाला ये चुकंदर है, बाकी आगे लहसुन है फिर गोभी भी लगी है और लहसुन की, गोभी। दोस्तों कितना बेहतर तरीके से गोभी लगाया है, तो ये बैंगन का पेड़ भी आप शायद दिखा दीजिए, लोग ये जानते नहीं है। चीज़ हाँ मैं बिल्कुल, आज दोस्तों यहाँ पे आ ही गया हूँ और इनके पास में एक बहुत ही अच्छा गुणवत्ता वाला पौधा लगा हुआ है जिसका नाम है दोस्तों सहजन। और सहजन का पौधा आप लोग देख लीजिए क्योंकि नीरज भाई ने लगा रखा है अपने खेत में, तो वो चीज़ मैं आज आपको दिखा ही देता हूँ दोस्तों। इसमें भी फल भी आने लगा कुछ दिन में, देखिए मतलब फल हाँ, है कुछ, फूल ही है ये ना। देखिए दोस्तों यही है वो सहजन जिसके बारे में मैं अक्सर वीडियोस में बात करता हूँ कि सहजन का पौधा लगाइए और इसका जो पत्ता है सुबह सुबह में अगर आप इसको अच्छे से इसका रस निकाल करके अपने बर्ड में पिलाएंगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी ग्रोथ करता है, बर्ड बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों नीरज भाई से मिल करके, और आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।